कि वर्धा की इस महान भूमि से मुझे महाराष्ट्र में अपने चुनाव अभियान की शुरुआत करने का अवसर मिला है। इससे पहले मैं वर्धा और चंद्रपुर और गढ़चिरौली समेत विदर्भ के सभी बहनों भाइयों का आभार व्यक्त करता हूं जो एयर कंडीशन में बैठ करके देश को सलाह दे रहे हैं। इनको पता नहीं होगा कि 40-42 गर्मी में ये जनसैलाब हमें आशीर्वाद देने आया। जहां भी मेरी नजर पहुंच रही है, मैं लोग ही लोग देख रहा हूं। अभी तो पोलिंग में बीच में 10 दिन बाकी है, उसके बावजूद भी इस क्षेत्र के लोगों ने ये जो ताकत दिखाई है, ये जो प्रेम दिखाया है, पता नहीं कांग्रेस एनसीपी का आज रात क्या होगा, सो पाएंगे कि नहीं सो पाएंगे। हमारे यहां के सांसद रामदास जी का जन्मदिन है, मैं भी आपके साथ उनको अनेक अनेक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। भाइयों बहनों, इन 5 वर्षों में जो कुछ भी मैं इस पूरे क्षेत्र और महाराष्ट्र के लिए कर पाया हूं, उसके पीछे आप सभी की शक्ति है, आप सभी का समर्थन है, आप सभी के आशीर्वाद है और आप ही मेरी प्रेरणा है। भाइयों बहनों, मैं आज आपसे कुछ मांगू, उसके पहले मैं आज पूज्य बापू की तपस्वी भूमि से, आचार्य विनोबा जी की कर्म भूमि से पूरे महाराष्ट्र के नागरिकों का और इसी वर्धा की पवित्र भूमि से पूरे हिंदुस्तान के नागरिकों का सबसे पहले आभार व्यक्त करना चाहता हूं, क्योंकि आप लोगों ने 5 साल पहले मुझे इस देश के नागरिकों की सेवा करने का सौभाग्य दिया था और इसलिए आपकी प्रेरणा से जो मैंने काम किया है उसका हिसाब तो देता ही हूं, लेकिन ये काम करने का अवसर आपने दिया, इसके लिए सबसे पहले दोनों हाथ जोड़ करके आप सबका धन्यवाद करता हूं। भाई और बहनों, गांधी जी और विनोबा जी का स्वच्छता के प्रति जो आग्रह था उसे आप अच्छी तरह जानते हैं। कांग्रेस ने उनकी बातों का कितना अनुसरण किया इसकी सच्चाई भी आप जानते हैं। साथियों, स्थिति यह है कि अब कांग्रेस वर्षों से साफ सफाई के काम में जुटे स्वच्छता के चौकीदारों का आज अपमान कर रही है। 2 दिन पहले कांग्रेस के एक बड़े नेता ने कहा कि मोदी ने सिर्फ शौचालय की चौकीदारी की है। अब आप बताइए, वर्षों से जो साफ सफाई के काम में जुटे हैं, जो स्वच्छता के चौकीदार हैं,
ये भाषा